अस्सलामु अलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 31 दिसंबर 2021, यानी 2021 का ये आखिरी दिन है। ये बैकग्राउंड में देख लें, ये आज की सुबह है, बड़ी प्यारी सुबह है आज, और परिंदों की चहचहाहट है और लोग थोड़ा वर्जिश कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। एक अच्छा यानी ये दिन है। और अगर इस साल को भी हम देखें गुज़िश्ता साल के निस्बत, ये फिर भी एक बेहतर साल रहा था, क्योंकि 2020 में सिर्फ कोरोना के वार थे, लेकिन 2021 में उन वार को रोकने के लिए एक वैक्सीन थी। अगरचे जो नए नए वेरिएंट्स आते रहे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम किए, क्योंकि जाहिर है कि पुराने स्ट्रेन के ख़िलाफ़, पुराने वेरिएंट के ख़िलाफ़ जो वैक्सीन होती है वो इतनी मुअसर हो भी नहीं सकती नए वेरिएंट के ख़िलाफ़। लेकिन फिर भी 2021 का साल एक उम्मीद का साल रहा, और मेरी ये प्रेडिक्शन है कि इंशाल्लाह के 2022 का जो साल है वो कोरोना के ख़ात्मे का साल साबित होगा। और अल्लाह से दुआ है कि ये जो अगला साल है जो कल शुरू हो जाएगा, ये आपके लिए, मेरे लिए, इस मुल्क के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक अच्छा साल साबित हो। अभी हम अगर थोड़ा सा जायज़ा लें कि मैंने प्रेडिक्शंस की थी अपनी गुज़िश्ता कुछ वीडियोस में कि जो दिसंबर के आखिरी 15 दिन हैं और जनवरी का जो महीना है, ये कोविड को लेके ओमिक्रॉन, क्योंकि नया वेरियंट आ रहा है, तो पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा मुहतात रहना पड़ेगा। अब ख़बरें सामने आ रही हैं, आप लोगों को पता चल गया है कि पाकिस्तान में अभी जो आज के केसेस बताए गए हैं गुज़िश्ता 24 घंटे के, वो 500 से ज़्यादा हैं, जो बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ है। और इसी तरह से जो मुस्बत रहने की शरह है वो भी 1 से ऊपर चली गई है, क्योंकि ऐसा ऐसा पाकिस्तान में केसेस बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में जो ओमिक्रॉन का पहला केस है वो बताया गया था तकरीबन 8 और 9 दिसंबर को, क्योंकि 25 नवंबर को पूरी दुनिया में फ़र्स्ट टाइम ये रिपोर्टिंग हुई थी WHO को, 8 और 9 दिसंबर को पाकिस्तान में पहला केस जो है वो, और 13 दिसंबर को फिर वो कन्फर्म हुआ कराची में। और अब हमें बताया गया है कि 27 दिसंबर को पूरे पाकिस्तान में जो कन्फर्म केसेस हैं वो 75 यानी 75 हैं। अब जो कन्फर्म केसेस का मतलब ये होता है कि ये तो वो केसेस हैं कि जिनका जीनोम सिक्वेंसिंग की है। इसका मतलब है कि बहुत सारे ऐसे केसेज हैं कि जो होंगे पाकिस्तान में, लेकिन उनको अभी जीनोम सीक्वेंस नहीं किया गया, यानी कि ओमिक्रॉन के जो वेरिएंट है। और ये जो केसेस हैं 75 यानी 75, इनमें से सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो कराची में हैं, उसका तकरीबन वो 30 से ज़ायद केसेस हैं, 33 केसेस। और जो 17 केसेस हैं वो हैं इस्लामाबाद में, और तकरीबन 13 केसेस हैं वो लाहौर में हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे अब ओमिक्रॉन वेरिएंट पहुँच चुका है। और इसमें जो सबसे नेगेटिव बात मुझे नज़र आती है वो ये नज़र आती है कि इनमें से सिर्फ 12 लोग ऐसे थे जिन्होंने इंटरनेशनल ट्रैवल किया था। इसका मतलब है कि जो अक्सर केसेज हैं वो एक से दूसरे शख्स को पाकिस्तान में ही लगे हैं, जिसको हम कम्यूनिटी ट्रांसमिशन कहते हैं। और क्योंकि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है इसका डबलिंग टाइम यानी 2 से 4 होना और 4 से 8 होना, वो पहले वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट और उससे पहले वेरिएंट से कम है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में ये काफ़ी तेज़ी से अब फैल रहा है, अगरचे हमें इसका इतना ज़्यादा भी नहीं पता है। और ना पता होने की एक वजह ये भी हो सकती है कि जैसे एक रैपिड एंटीजन टेस्ट है, वो जब हम पुराने वेरिएंट्स के ख़िलाफ़ करते थे तो अगर किसी भी वायरस का लोड ज़्यादा होता है जिस्म में किसी वेरिएंट का, तो वो उसको पकड़ लेगा, वो उसकी तशखीस कर लेगा, उसकी डिटेक्शन हो जाएगी। लेकिन जो रैपिड एंटीजन का टेस्ट है, ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसके ख़िलाफ़ ये बहुत ज़्यादा मौसर नहीं है। तो इसलिए, और जहाँ तक है PCR का टेस्ट, उसके काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि वो ओमिक्रॉन को तशखीस कर सकता है, लेकिन कुछ लोगों में वो मिस हो सकता है, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है उसके अंदर काफ़ी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि उनको बूस्टर के बारे में अक्सर लोगों के सवालात होते हैं, तो कोशिश होती है कि जब भी केसेस ज़्यादा हों तो मैं किसी हद तक जवाब देने की कोशिश करता हूं, लेकिन जाहिर है बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब नहीं दिए जा सकते, और भी बहुत सारी मसरूफियात होती हैं। तो अक्सर लोगों के जो सवालात होते हैं उनका ताल्लुक बूस्टर से होता है कि उनको बूस्टर लगवाना चाहिए, नहीं लगवाना चाहिए, कब लगवाना चाहिए। मैं दोस्तों से पहले भी कह रहा था कि दिसंबर के आखिर में सबसे बेस्ट टाइम है पाकिस्तान में कि आप अपने बुज़ुर्गों को या वो लोग जिनकी मुदाफ़ती जो निज़ाम है वो कमज़ोर है, उनको ख़ास तौर पे बूस्टर लगवाएं, और कोशिश करें फाइज़र का लगवाएं, क्योंकि अभी तक की जितनी स्टडीज़ आई हैं और जिसके ऊपर मैं आप दोस्तों से वीडियोज़ भी बना चुका हूँ, तो उन्होंने यही साबित किया है कि जो चाइनीज़ वैक्सीन का बूस्टर है उसने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया। तो दुनिया कन्विंस है, कायल है इस बात पे कि सबसे अच्छा बूस्टर इस वक्त फाइज़र का ही है, तो उन लोगों को फाइज़र का लगवाएं। और पिछले दिनों एक सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर हैं हमारी बहन,
तो उन्होंने मुझे एक मैसेज किया था, थोड़ी सी उनसे कम्युनिकेशन हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं लोगों को एक मैसेज दूँ, तो मैं उनका मैसेज दे देता हूँ, मुझे उनका नाम याद नहीं है। वो ये कहती हैं कि उन्होंने और उनके हस्बैंड ने फाइज़र की वैक्सीन लगवाई थी, और उसके बाद ये है कि अगरचे वो ये कहती हैं कि वो डरते थे वो लोग कि ये मर्दों में भी जो है वो नामर्दी मर्दानगी पैदा करती है, या मर्दानगी जो होती है या बच्चे पैदा करने की जो सलाहियत है उसको कमज़ोर करती है, और जो ख़वातीन हैं उनमें भी बांझपन पैदा करती है, ये सुनते रहते थे वो। लेकिन उन्होंने ये बताया है कि वैक्सीन लगने के बाद, फाइज़र के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह अब उनको 2 मंथ्स की प्रेगनेंसी है। यानी उनका मकसद सिर्फ ये था लोगों को, ताकि बता दिया जाए कि वो इस तरह की चीज़ों से मत डरें, क्योंकि ये जो लोग ये ख़बरें आप लोगों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं या आप लोगों को इस तरह की ख़बरें देते हैं, तो वो नॉन साइंटिफिक लोग हैं। आप उनका बैकग्राउंड, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि आप ख़बर को ना चेक करें, आप ये देखें इसका सोर्स क्या है। एक शख्स है, अगर उसको वो साइंस का बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है और वो आपको बता देता है कि जी आपकी जींस तब्दील हो जाएगी, आप में बच्चे पैदा करने की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी, आप में बांझपन आ जाएगा, तो उनसे एविडेंस मांगे। तो ये मेरी जो बहन है, इनका यही कहने का मकसद था कि लोगों को बता दिया जाए कि ऐसा कुछ नहीं है, और ताकि लोगों को हौसला हो कि बीमारी से बचना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ से। तो जैसे मैंने पहले भी कहा, एक उम्मीद करते हैं कि अगला जो साल है 2022 का, वो हम सब के लिए एक बहुत अच्छा साल साबित हो। इसको एक इंतहाई अच्छी उम्मीद के साथ आप शुरू करें, एक मुस्बत सोच के साथ आप शुरू करें। आप ये सोचें कि इस साल में आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपनी खुराक का ख्याल रखना है, अपनी फैमिली का ख्याल रखना है, अपनी ज़िंदगी से जो मनफी लोग हैं उनको डिलीट करना है। डिलीट से मुराद ये नहीं कि उनको दुनिया से डिलीट करना है, बल्कि उनको कोशिश करनी है कि कम टाइम देना है, और जो मुस्बत लोग हैं उनकी कंपनी में रहना है, उन लोगों के साथ रहना है जो आपका हौसला बढ़ाते हैं, उन लोगों से दूर रहना है जो आपका हौसला तोड़ते हैं। कोशिश करें कि अपनी फैमिली का जब आप ख्याल रखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप में ये सारी तब्दीलियाँ जो है मुस्बत अंदाज़ में आना शुरू हो जाएंगी। कोशिश होगी 2020 में भी कोरोना और बाकी बीमारियों के खिलाफ भी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।